हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं नए दिन और नई सुबह के साथ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8। इसका पूरे हफ्ते से इंतजार रहता है, वो आज आई गया संडे और जो फिर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलता। और मैं थोड़ी देर पहले उठा और मुझे आलू के पराठे रेडी मिले थे, मोहन ने बनाए थे, अब हमने खा भी लिए। अब मोहन वहाँ पर सो रहा है, पराठे खा के उसको नींद आ रही होगी। तो आज पराठे नहीं दिखा पाए आपको, मनाते हुए भी नहीं, खाते हुए भी नहीं, क्योंकि मैं सोया हुआ था और उड़ते ही भूख लगी तो मैंने खा लिए। क्या मैं अभी ओपन नहीं कर पाया, बनाए तो मोहन ने, सुबह से लगा हुआ था, पता नहीं दूध वूध भी लेके आया बाहर से, लगे रहता है यार बेचारा, अच्छा आदमी है, ऐसा दोस्त सबको मिलना चाहिए। कॉफी मेरे हाथ पे आ रही थी, मुझे कुछ इसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़े, सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। सबके बल्कि मुझे एक ही एफर्ट करना पड़ेगा, बस बर्तन धो देने पड़ेंगे, खत्म। थक गई है जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब करना, पता नहीं कैसी कैसी शायरी बनाते रहता है, लगे रहते हैं बेचारा। ये देखो ये डिग्री ना ये पीछे, ये तब इसने अपनी शायरी लिखी हुई है, खाली टाइम पर शायरी लिखते रहता है यहाँ पर। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जब कुछ समझ नहीं आ रहा है आज क्या करना चाहिए, क्या कह रहे हैं आप बता दो। चने बिगा रखे हैं दिन के लिए, दिन में आज चने की दाल वाले चने यार, वो घोड़े वाले चने जो घोड़े खाते हैं या फिर जो घोड़े खाते हैं। दिन के बज रहे हैं 2 और मैंने कपड़े धो दिए, 2 ही कपड़े थे तो इनके छत पर लेकर नहीं गए, यहीं पर सुखा दिए। देखो कुछ टाइम पहले मैंने मनी प्लांट का पेड़ लगाया हुआ था, आज बड़ा हो गया कितना। बाकी मौसम देखो, बादल लगे हुए हैं थोड़ा थोड़ा, और आजकल रोज़ शाम को बारिश आ जा रही है हल्द्वानी में, तो अभी से बादल इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जब पूरे इकट्ठा हो जाएंगे तो बारिश होगी, मुझे पता है पक्का शाम के टाइम। और आज कहीं निकले भी नहीं घूमने के लिए, तो सोच रहा हूँ शाम के टाइम बाहर निकले। मैं किचन में आ गया हूँ, चावल की तैयारी करते हैं, 2 लोगों के लिए बनाने थे, 2 कटोरे से हो जाएगा। देखो चावल धोकर मैंने चढ़ा दिए हैं, देखो 2 लोग हैं खाने वाले, आधा किलो पाउडर चावल से हो जाता है, और कुकर कितना बड़ा रह गया। देखो ये रेड वाली दाल है, इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, मलका, और ये अरहर है या चने है मुझे आइडिया नहीं है क्या है। मुझे तो सेम लगते हैं यार अरहर और चने। उस दिन चैलेंज की बची हुई मिर्च है, जो कुछ काली हो गई है, कुछ लाल, कुछ हरी बची हुई है। दाल के लिए मटेरियल रेडी है, तो चलो आज बताता हूँ मैं कैसे दाल बनाता हूँ। थोड़ा अलग तरीका, मेरा अलग नहीं है, सेम ही होगा वैसे, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ। पहले चावल बन जाए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, तब तक मैं ये कल रात के बड़े बर्तन है इनको क्लीन कर लेता हूँ। सारे बर्तन खाली, सुबह आलू के पराठे बनाए थे मोहन ने, उसके बर्तन है ना, हमारा हमेशा सरसों के तेल ना बन पाए, फिर हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता, ऐसा मैंने पढ़ा भी और खुद पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर रखा है। मैंने दाल रख दी है, चढ़ा दी है, इसको लगेगा टाइम थोड़ा बनने में, और चावल तो ऑलरेडी तैयार है। तब तक दाल बनाने में कुछ काम करूँ तब तक, लेकिन अभी मन नहीं है, बाद में ही करूँगा, छोड़ो रहे एकदम। सुबह से वीडियो देखी UK07 राइडर, कंट्रोवर्सी चल रही है उनके बीच में, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, तो ये दुखी है। ये भी यार दुख होता है सच में, अगर इतने बड़े लोग ऊपर जाकर ऐसे आपस में लड़ रहे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है थोड़ा। वो क्या रहा वैसे मुझे बता दो, ठीक है जो भी है उन लोगों को खत्म कर देना चाहिए, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मतलब देखते हुए आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, ट्राई करना बेकार है यार, कुछ नहीं रखा हुआ लड़ाई वड़ाई में, बता दे मिलजुल के रहो, शांति से रहो, खाओ और खाने दो, सब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, फिर भी आपस में सब क्रिएटर हैं, सब अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, सबको किसी दूसरे को ट्रोल करने की सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उसको ट्रोल करने की मुझे सिंपैथी मिलेगी, मुझे ग्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग आपको हेट करते हैं, इसलिए
मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो, जियो और जीने दो, आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। इनका खाना हमारा 3:30 बजे रेडी हो रहा है। मोहन दाल टेस्ट कर रहा है कैसे करके, कैसी हो रही? लजीज। ठीक है, अभी खाने खा लेते हैं।